हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में। आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित हैं और इस वीडियो में लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा वेबसाइट बनाया गया है। वेबसाइट का नाम है GOVTjobsforyou.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी हैं नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं, तो बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि के बारे में, तो आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू है, यानी 24 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू है। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है या ऑफलाइन है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम बताएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और 24 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 15 मई 2024 तक ही है। इससे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। नॉन टीचिंग की विभिन्न पद की बात करें तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए टोटल एक पद हैं, जो सैलरी हैं 42,000 रुपये पर मंथ है, यानी 82,000 रुपीज पर मंथ सैलरी हैं। एज लिमिट 50 साल से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में MBA या PGD BM या PGDM 55% अंक के साथ होनी चाहिए। साथ में 10 से लेकर 15 साल का एक डायनेमिक और गुड नेटवर्क से संबंधित एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए बात करें तो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी 82,000 रुपये पर मंथ है, एक पद है, एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक होना चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद, यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। आपके MLIP करने के बाद 10 साल के एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में होना चाहिए। इसके अलावा डिप्टी अकाउंट्स ऑफिसर के लिए सैलरी सेम है, एक पद है, एज लिमिट 50 साल है। क्वालिफिकेशन में MCOM या MBA, फाइनेंस या CA या ICWA में 55% अंक के साथ हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर IT में जो हैं, एक पद हैं, 75,000 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। एज लिमिट 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में BCA या BE या BTEC IT या कंप्यूटर साइंस या MCA 55% अंक के साथ है तो आप एलिजिबल हैं और मिनिमम एक्सपीरियंस 7 साल का होना चाहिए। इस तरह से और भी डिटेल जानकारी दी गई है सभी पद से रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको लिंक की बात करें तो यह लिंक है, इस लिंक से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और यह लिंक जो है इस चैनल के द्वारा जो वेबसाइट बनाया गया है उस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और वहां से क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 15 मई 2024 तक फिल करना है। उसके बाद स्पेश पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित डॉक्यूमेंट लगाकर सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना है और 21 मई 2024 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड होना चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, यह जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आवेदन आमंत्रित किया गया है।
मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मुर्शिदाबाद में आवेदन आमंत्रित हैं। मुर्शिदाबाद में आवेदन आमंत्रित है। तो इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।